अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड लोग, कैसे आप लोग? मस्त एकदम बढ़िया हैं। देखो मैं जा रही हूँ चोहा बनाने के लिए अभी। और बताओ फ्रेंड लोग, आप लोग कैसे हैं? देखो इधर मैंने ये मिर्च डाली हूँ, थोड़ा है मिर्च, ये धनिया पत्ती, टमाटर, प्याज। सुबह ने फ्रेंड में खाना बनाई थी। कोई ढूंढ में आए हैं मेरे घर पर, है तो पूरा स्टार्ट कर रहा। हाँ है कि क्योंकि मैंने सुबह में बोली थी अलग के लिए, बहुत लोग समझती हैं ना कि अलग के बारे में, तो मैं नहीं चाहती हूँ। देखें फ्रेंड, मैं भूज रही हूँ चावल, क्योंकि मुझे चावल कच्चा बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर वाले बहुत बोलते हैं खाते हुए। इसमें दो लोग खाएंगे, हम एक हमारी भाभी। हो सकता है मेरी सासू माँ भी खाएं। ये क्या जी काला क्या है? तो फ्रेंड लोग, कभी सोचना मत अलग के बारे में आप लोग भी। मैं वो हंसी की थी कि मेरी ससुई का ना अलग कह थी, ठीक है। हम नहीं चाहते हैं कि हम अलग हो जाएं, क्योंकि जब अपने परिवार जुड़ा रहता है ना तब अच्छा लगता है, टूट जाता है तो नहीं सूट करता है। इसीलिए मैं सोची कि आप लोग भी सोच रही होंगी अलग के बारे में। मेरे घर वाले भी मेरी वीडियो सुनती हैं, देखती हैं। एक में कई कहने वाले बहुत हैं, इसीलिए अंगूर देखिए ना, गुच्छे वाला, वो जो गुच्छे वाला अंगूर रहता है ना, तो जुड़ा रहता है, तो उसकी कीमत है। और जो टूट कर अलग हो जाते हैं ना, उसकी कीमत नहीं रहती। वैसे ही परिवार है, जब परिवार जुड़ा रहता है तो उसकी कीमत है। परिवार से अलग हो जाता है, उसकी कीमत नहीं रहती। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मुझे उंगली उठाए, या मेरे बारे में, या मेरे हस्बैंड के बारे में, या मेरे बच्चे के बारे में कोई कह सके, ठीक है। मेरी वीडियो बहुत दूर दूर जाती है, लोग देखते हैं, इसीलिए मैं सोची कि नहीं, ये गलत बात है, अलग होने का तरीका नहीं सीखा करो। जब अल्लाह पाक उतनी अहमियत दे, रोज़ी दे, तब अलग होने का तरीका रहे तो अच्छा लगे, वतन भी रहे। अब क्या, एक ही रूम में आप गुजारा करो, एक दूसरे हर बहाने झगड़ा होता है, तो उससे बेहतर है अलग ही नहीं हो। चलो उसी में सब खाओ तो हम भी खाएं, तब भूखा तो हम भी भूखे। इसीलिए मैं नहीं सोचती हूँ, मैं कभी अपने दिल दिमाग पर कभी नहीं लेकर आऊँ जी अलग होने के बारे में, क्योंकि अभी सास है ना, माँ के रहने पे इज्जत है। माँ के बारे में जब माँ नहीं रहेगी, गुजर जाएगी, सब तिखड़ बिखिर होगा, जाहिर सी बात हम भी हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग नहीं सोचते कि अलग हो जाए। हर परिवार को मैं देखती हूँ, सास रहती है फौरन ही अलग हो जाती है, तन कैसा तरीका सीखती हैं। मैं यही कहना चाहती थी फ्रेंड लोग, आप लोग से मत होना जी कभी
ज़्यादा दुख है, तकलीफ है, आपस में बात कर लिया करो। मैं कभी नहीं सोचूंगी जी, जब मैं अपने पैर पर अपनी रोजी पर खड़ी हो जाऊंगी, खुद ऑटोमेटिक अपना वतन बनवाऊंगी, निकलूंगी। अलग होने का मकसद यही है ना कि पूरा जिम्मेदारी होती है। अभी आज है तो जैसे आज अभी सास है, कुछ नहीं घटा है, बड़ा है, तो उनसे हम बोलूँगी ना। अभी हम हो जाएं अलग तो अभी सब लोग कहेंगे अरे अलग हो गएंगे, तब वो गुजारा ना। इसीलिए आप लोग, मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय, शुक्रिया।